हाय, आई एम अ टॉय कार, राइट हियर। बच्चे कई बार एक्साइटमेंट में खेलते खेलते मुझे गिरा देते हैं या फिर मैं खुद ही खराब हो जाता हूँ, क्योंकि मैं चाइना में बनाया गया हूँ। तो इस केस में मुझे किसी टेक्नीशियन से संपर्क करना पड़ता है, जैसे कि इलेक्ट्रोगोल। इनसे आपको संपर्क करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओह नो, मेरी आवाज़ जा रही है, मेरे स्क्रू खुल चुके हैं, तो मैं पूरी अच्छी तरह से ठीक होने के बाद ही तुमसे मिलूंगा। बाय। फाइनली अब हम अपना वीडियो शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्क्रू को साइड में कर देते हैं, ताकि जब हमारा कार वापस से जिंदा हो तो इसको कोई शिकायत ना हो कि हमने इसके स्क्रू पार्ट्स को घुमा दिया है। तो देख सकते हैं कि जो हमारा बैटरी है, इसका सर्किट के साथ कनेक्शन बिल्कुल टूट चुका है। इसका रीज़न हो सकता है कि जब हमारा मोटर रन कर रहा हो तो ज़्यादा वायर वेट होने की वजह से इसका कनेक्शन टूट गया हो। खैर कोई बात नहीं, हम इसको बिल्कुल अच्छे से सोल्डरिंग कर देंगे ताकि ये दोबारा से ना टूटे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसके ब्लैक वायर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और इसके व्हाइट वायर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सोल्डरिंग आयरन को ऑन करना पड़ेगा। हमने सोल्डरिंग आयरन को ऑन कर दिया और हमने इसके कनेक्शन को कर दिया, लेकिन देख सकते हो कि हमारा कार ऑन नहीं हुआ। तो काफ़ी देर ट्रबल शूट करने के बाद हमने पाया कि जो इसका वाइट वाला वायर है, ये इसके एंटीना का वायर है, ना कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल का वायर है। तो हमसे ये मिस्टेक हो गया और अंदर एक रेड वायर है जो कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्शन होना है। तो हम उसके साथ कनेक्शन कर देते हैं और ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर वर्क करने लगा है। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसके दोनों मोटर वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो ये वर्क करने लगा है, तो हम इसके स्क्रू को वापस कर देते हैं और ये कार अपने मालिक के पास जाने के लिए तैयार है। धन्यवाद।